क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है, लेकिन ये एक बहुत ही खास शो है बिकॉज सारे जो ग्लिटर आर्टिस्ट हैं एंटरटेनमेंट और म्यूज़िक वर्ल्ड के, ज़्यादातर मेरे बहुत ही खास दोस्त हैं, वो सारे मेरे ये शो के लिए चल रहे हैं, तो एक्साइटमेंट तो जनरल जो शोज़ में रहती है उससे कहीं ज़्यादा है। क्या कुछ थीम होने वाला है, कुछ अलग सा? पूरा वी आर सेलिब्रेटिंग अ वेडिंग डे, तो जितने भी कपड़े हैं दे आर ऑल रिलेटेड टू ऑथेंटिक इंडियन वेडिंग। हमने तीन सीक्वेंसेस करी है, एक एब्सोल्यूट फेरे का जो लुक होता है वो, एक बहुत ज़्यादा जो लुक अभी चल रहा है वो कॉकटेल वेयर का है, लोगों को पता नहीं चलता है कि इंडो वेस्टर्न लुक कैसे होना चाहिए, तो हैरी जो मेरे साथ है वो ओपन कर रहे मेरा इंडो वेस्टर्न लुक सेक्शन। अपनी वाइफ के साथ चल रहे सुनैना के साथ, सुनू कम एंड आई थिंक आप इनसे पूछे कि वो कितने एक्साइटेड हो, आप कितने एक्साइटेड हो और क्या कुछ देखने वाले? सर मैं अभी उम्र के हिसाब से जंप नहीं कर सकता, लेकिन बहुत एक्साइटेड हूँ, जंप करने का मन कर रहा है। वी हैव ऑलवेज बिन फैन ऑफ एमीज क्लोथ्स, हमारी दोस्ती बहुत ही मटेरियलिस्टिक दोस्ती है, क्योंकि इनके कपड़े देख के हमने इनसे दोस्ती करी, हमने कहा अरे वाह अच्छे डिजाइनर है, इनसे दोस्ती कर लो, तो आज पता चला है मुझे। जी हाँ, तो वो अलग बात है, मैंने इनसे अभी तक कुछ भी स्टिच कराया नहीं है, बिकॉज इनका बहुत ही ज़बरदस्त, आई लव द वे स्पेशली अ ब्राइडल कलेक्शन इज ब्रिलियंट, शी इज अ बिग फैन ऑफ एमी एंड थैंक्स टू हर आई थिंक हिम एंड मी आर वॉकिंग द रैंप टुगेदर फॉर द फर्स्ट टाइम ऑल बिकॉज ऑफ एमी, सो वी आर वेरी एक्साइटेड, लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। वी आर लाइक अ फैमिली एंड वी ऑब्वियसली विल ऑलवेज बी देयर व्हेनेवर एमी। थैंक यू। एमी क्लोथ्स के अलावा एक्चुअली द ज्वेलरी इज बींग डन बाय अनूप शाह। अनूप कैन यू कम हियर टॉक अबाउट योर ज्वेलरी? सो वी विल टेक योर लीड। ऑल द बेस्ट, सी यू ऑन द फ्लोर। सो वी हैव दिस एंटायर लुक व्हिच इज प्लान्ड विद हिज कंटेम्पररी ज्वेलरी फॉर द मॉडर्न वुमन ऑफ टुडे एंड यू कैन टॉक अबाउट योर ज्वेलरी। वेडिंग की बात करें तो ज्वेलरी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है वेडिंग में, तो क्या कहना चाहेंगे किस तरह की ज्वेलरी होगी? इट्स गोइंग टू बी ब्राइडल ज्वेलरी बट समथिंग जो आप बाद में भी पहन सके, सो लॉट ऑफ मिक्स एंड मैच ज्वेलरी विच पीपल कैन वेयर ओनली नॉट ओनली फॉर दैट ओकेजन बट इवन आफ्टर दैट ओकेजन यू कैन मिक्स एंड मैच एंड वेयर इट विद योर अदर ओकेजन एज वेल, सो इट्स गोइंग टू बी अ मिक्सचर ऑफ मॉडर्न एंड वेयर एज ट्रेडिशनल एंड कंटेम्प्रेरी डिजाइंस। मैं तो दो खूबसूरत कन्याओं के साथ खड़े होकर ही मेरे पैर कांप रहे हैं, तो पता नहीं उस दिन क्या होगा। दिस इज सेकंड टाइम आई एम कनेक्टेड टू एमएस क्रिएशंस, वन सेवेंथ वी हैव फैशन शो इन मैरियट, इट वाज मैरियट एंड आई लव्ड इट एंड नाउ आई एम वेयरिंग इट, इट्स अ ब्यूटीफुल गाउन, सो आई एम एक्साइटेड टू बी ऑन स्टेज इन अ क्रिएशन। Lehenga sari, which Amy has designed, which is very pretty, and I'm wearing a really pretty color, which is like a white with gold and a little pink, which is very in, I think, in this season. So I think it's going to be a hit on the ramp. What do you think, Amy? Well, I'm really happy that all my brides are here, Lavinia, Anjumana, Sujata, and we're all really excited because hum rehearsals karenge abhi. And I think actual look ke baare mein agar aap Sunday ke liye wait kare, to wo zyada achha rahega because you know the club is having its entire new look. And उन्होंने हमें अप्रोच किया है और हम ये शो कोलैबोरेशन में कर रहे हैं, वी आर रियली एक्साइटेड एंड आई एम होपिंग टू रॉक द शो। Ami happens to be a very good friend of mine and I'm pretty excited to be a part of the show. So, all the good luck. Yeah, I would love to give me, I always look forward to wearing her outfits and I'm also wearing a very nice outfit with her brother's jewelry. So, I'm also very excited about it. All the best. I'm wearing a very heavy jewelry that Anoop has designed. His collection is really nice. And I'm wearing one of Amy's wonderful ghagras. It's a beautiful color and a lot of good work on it. And I'm looking forward to walking in Amy's ghagra and Anoop's jewelry. So I'm very excited. And to be a bride again is not a joke, right? So.